मेरा नाम मसूद लोहार है, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट से। जापान में एक टर्म यूज़ होती है शिनरिन योकू, उसका मतलब है फॉरेस्ट बैदिंग, यानी कि जंगल में जाके जंगल के माहौल से इस तरह उसमें घूमें फिरें कि आपकी इकोथेरापी हो। इसको इकोथेरापी भी कहते हैं। बारिशों के बाद ये हमारा क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट इतना घना हो गया है कि अब यहाँ पे भी हम फॉरेस्ट बैदिंग कर सकते हैं। तो आए चलते हैं अंदर फॉरेस्ट बैदिंग करने। घना जंगल जो होता है उसमें डर ये लगता है लोगों को कि जी कोई चीज़ काट ना ले, सांप ना काटे। वैसे नॉर्मली ये फॉरेस्ट बैदिंग जो है नंगे पाँव की जाती है, लेकिन मैंने जॉगर पहना हुआ है। बात ये होती है कि नेचर के ऊपर ट्रस्ट करना होता है। सांप ने डसना ही है तो वो घर में भी आके डस देगा। कि हम 3 जनरेशन पीछे अगर जाएं, हमारा कोई ना कोई बड़ा जो होगा वो कहीं गांव में रहा होगा या नेचर के साथ रहा होगा। और 1000 साल पीछे जाएं तो हम तो गारों में रहते थे, जंगलों में जानवरों के साथ रहते थे। तो नेचर पर ट्रस्ट करना ही हीलिंग है, और नेचर में रहना जो है ही हीलिंग है। और यही वो बात है जो हमें पाकिस्तान में ज़रूरत है, इसीलिए ही हमारा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है नफसियाती तौर पर। और जो ड्रैगन फ्लाइज हैं ये उड़ रही हैं। अब ये इकोसिस्टम रिस्टोर हो गया है, तो ये ड्रैगन फ्लाइज मच्छरों को खाते हैं, मच्छर किसी इंसानों को खाते हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म की तितली जो है वो आई है, तितली नहीं है, ड्रैगन फ्लाई और तितली के बीच में कोई चीज़ है।